वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, हियर इज प्रदीप, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MS04 व्लॉग्स। तो क्या बोलते हैं, कैसे पब्लिक, कैसे चालू है सब लोग का लॉकडाउन? तो कैरी मिनिटी का वीडियो यार यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, बहुत बुरा लगा रहेगा उसको, कितना हर्ट हुआ रहेगा क्योंकि इतनी मेहनत सारी पानी में चली गई। लेट इट बी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे जो ब्लॉगिंग के एक्सेसरीज जो मैंने पहले दिखाया, आई होप आपको वो पहले वाला वीडियो अच्छा लगा रहेगा, लेकिन ये वाले वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूँ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन GoPro Hero 8 एंड माई iPhone 11। सो आज कंपेरिजन करेंगे बिटवीन द एक्शन कैम एंड द iPhone 11। एक्शन कैम तो मेरे पास बहुत लेटेस्ट वाला है, दैट इज़ अ GoPro Hero 8 जो कि लेटेस्ट वाला है, उसके आगे अभी तक कोई भी मॉडल नहीं आया हुआ है। एंड आईफोन मतलब कि सेलफोन्स के बारे में भी सबसे अपडेटेड वाला फोन है मेरे पास, 11 प्रो थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके नीचे वाला 11 आईफोन 11 है मेरे पास। तो दोनों का कंपेरिजन करने में तरंग मजा आएगा, तो देखते हैं क्या क्या कंपेरिजन है। तो आज के कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे कि इमेज क्वालिटी कितना डिफरेंस है, वीडियो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, स्टेबिलिटी कैसी है, ओके ऐसे कुछ प्रो लेवल का कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला, लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा देखने के बाद। यस, अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो दोनों भी वाटरप्रूफ है, एंड यस आईफोन 11 भी वाटरप्रूफ है एंड GoPro भी वाटरप्रूफ है, थोड़े मीटर तक नीचे लेके जा सकते हैं। एंड दोनों की सिमिलरिटीज भी बहुत सिमिलर है, मतलब कि कैमरा 12 मेगा पिक्सल का ही है, मतलब आईफोन का भी उतना ही है एंड इस GoPro का भी उतना ही है, तो उसका कंपैरिजन करने में थोड़ा मजा आएगा बिकॉज कैमरा का स्पेसिफिकेशन तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो देखने में मजा आएगा। एंड अगर दोनों की परफॉर्मेंसेस की बात करनी जाए तो दोनों के तगड़े परफॉर्मेंस है, बस GoPro का भी परफॉर्मेंस उसके पैरामीटर में बहुत अच्छा है एंड आईफोन 11 का भी उसके पैरामीटर में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सो दोनों के कॉस्ट्यूम में बहुत ज़्यादा फर्क है, दैट इज द GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11 के कॉस्ट्यूम में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऑब्वियसली बात है कि GoPro Hero 8 सिर्फ कैमरा पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एंड आईफोन के तो बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं, हम लोग तो डेली लाइफ में सेलफोन यूज़ करते हैं, तो उसके कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, लेकिन हम लोग आज सिर्फ कैमरा कंपेरिजन करने वाले GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11 का। तो चलिए वीडियो क्वालिटी चेक करते हैं दोनों का, दोनों को कंपेयर करते हैं एक एक साइड में एंड देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी। आईफोन जो है उसमें दो लेंसेस है, दैट इज ये दो लेंस से, एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, एक नॉर्मल लेंस, दैट इज वाइड लेंस। तो दोनों के कंपैरिजन में हम लोग GoPro को चेक करेंगे, GoPro से कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट्रा वाइड लेंस देखते हैं, उसके बाद में नॉर्मल वाला लेंस देखते हैं। यस, सो यू कैन सी दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ द वीडियोज, दोनों के फ्रेम बिल्कुल भी सेम है एंड दिस आर दी कलर्स, कलर डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है। एंड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 11 का वाइड लेंस एंड GoPro Hero 8 का नॉर्मल वाला वाइड एंगल। जैसे अगर मैं अल्ट्रा वाइड बंद करके वाइड मतलब नॉर्मल वाला लेंस आईफोन का चालू कर दूँ तो ये व्यू आएगा, दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू GoPro Hero 8 बिकॉज वो वाइड नहीं है। यस, GoPro का व्यू थोड़ा वाइड आ रहा है, इसका व्यू वाइड नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो इसमें एक बिल्डिंग पूरी की पूरी आ रही है GoPro Hero 8 में एंड इसमें नहीं आ रही, दैट इज़ नॉट वाइड। अल्ट्रा वाइड लेंस इसको पूरा टफ देता है आईफोन 11 का। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो कंपैरिजन ऑफ द GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11। तो आप लोगों ने देखा कि वीडियो कंपैरिजन में कितना सारा डिफरेंस था, डिफरेंस इतना नहीं था, वाइड लेंस मैंने जब यूज़ किया आईफोन 11 का तभी डिफरेंस लगा, लेकिन जब भी अल्ट्रा वाइड लेंस आईफोन 11 का यूज़ किया तब भी पूरा सिमिलर दिख रहा था, आप लोगों ने दिखा रहेगा, सिर्फ कलर मैचिंग में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं आईफोन 11 भी तगड़ा टफ दे रहा है GoPro Hero 8 को। ओके, सो नाउ वी विल सी द इमेज क्वालिटी, दैट इज द इमेज डिफरेंस बिटवीन द GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11। दोनों के पिक्चर्स क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, थोड़े एंगल्स पे फोटो क्लिक करके देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन आता है चारों इमेजेस में, तीन चार इमेजेस निकालते हैं और मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखो, सो दिस वॉज द फोर इमेजेस कंपेरिजन ऑफ द GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11। आप लोग ने ये देखा रहेगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इतना इमेजेस में, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं GoPro Hero 8 के आईफोन 11। मुझे थोड़ा लगा कि आईफोन 11 के इमेजेस थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू GoPro Hero 8। GoPro Hero 8 का सुपर फोटो मोड था एंड आईफोन 11 को तो नॉर्मल वाला मोड था, मैंने वाइड एंगल भी अल्ट्रा वाइड एंगल भी लेंस यूज़ नहीं किया था, नॉर्मल वाला वाइड लेंस यूज़ किया था, फिर भी फोटोज़ किए थे। तो ये थे चार फोटोज़, तो ये थी इमेज क्वालिटी दोनों की कंपेरिजन, मतलब कि GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11 की इमेज क्वालिटी का कंपैरिजन। ओके गाइस, द लेट्स सी द साउंड क्वालिटी ऑफ द बोथ द GoPro Hero 8 एंड द आईफोन 11। मुझे लगता है थोड़ा मजा आएगा ये देखने के लिए, क्योंकि साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग कभी भी वीडियो बना रहे तो मेक श्योर कि आपकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं या फिर वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन साउंड क्वालिटी कभी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैंने अभी ट्राइपॉड पर माउंट कर दिया है आईफोन को, तो देखते हैं। मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि साउंड क्वालिटी ऑफ GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में है मेरा GoPro Hero 8 एंड यहाँ पर है मेरा आईफोन 11।
तो साउंड आई होप लोग को अच्छे से आता रहेगा GoPro Hero 8 Man, दिस इज़ आईफोन 11। तो आप लोग को थोड़ा साउंड क्वालिटी समझ में आती रहेगी दोनों की। अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा है वीडियो बनाते वक्त कि किसका बेस्ट है, लेकिन पता चल रहा रहेगा। ये सो पहले मैं व्लॉगिंग करता था वो था मेरे पोको F1 पे, और वहाँ पर भी थोड़ा साउंड क्वालिटी मैंने चेक किया था तो उसका भी आ जाता था, लेकिन सेलफोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज़ ए नॉइस का प्रॉब्लम। एंड सेलफोन्स में भी आता है एंड GoPro में भी आता है, लेकिन अब भी थोड़ा है, GoPro ने थोड़ा उसका माइक इंप्रूव किया है तो GoPro में थोड़ा कम नॉइज़ आता है, लेकिन आईफोन में पता नहीं कैसे अभी साउंड आ रहा है। आई होप अच्छा आता रहेगा। सो गाइज, दिस वॉज दी साउंड क्वालिटी ऑफ बोथ द मतलब गैजेट्स। आपको बहुत आइडिया आता रहेगा कि कैसे साउंड क्वालिटी है दोनों की एंड कौन सा बेटर है। दोनों भी बेटर है ऑलमोस्ट उनके पैरामीटर्स में, लेकिन उससे भी बेस्ट आपको थोड़ा वीडियो देख के समझ में आता रहेगा। तो उसके बाद में आते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत मैटर करता है यार, जो वीडियो शूट करने में एंड मतलब सिनेमेटिक शॉट्स हो या फिर कुछ भी करने में स्टेबिलिटी बहुत मेंटेन रखनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी GoPro Hero 8 की ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अभी ये देख लो कि यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और स्टेबिलिटी इस वीडियो की देख लो, एंड इसके बाद में मैं आईफोन 11 यूज़ करता, फिर उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी देख लेना। सो गाइज, दैट वॉज माई GoPro Hero 8 एंड ये है मेरा आईफोन 11। तो इसमें आप लोग स्टेबिलिटी देख सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा उतनी स्टेबिलिटी दे पा रहा है जितना GoPro Hero 8 देता है। एंड नॉइज़ ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं कि हवा का इतना आवाज़ आता रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में मुझे लगता है GoPro wins। जैसे सुबह सुबह की हवा आ रही है बॉस, तो आप लोग ने देखा रहेगा कि GoPro अगर देखने जाए तो वीडियो में एंड स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा आगे परफॉर्मेंस देता है, लेकिन आईफोन पिक्चर्स क्वालिटी के बारे में एंड साउंड क्वालिटी के बारे में इज़ मतलब है थोड़ा लेवल पे है। एंड आईफोन 11 ने थोड़ा टफ मतलब दिया है GoPro Hero 8 को, बिकॉज है उसका एक्चुअल में सिर्फ कैमरा के लिए यूज़ नहीं आईफोन 11 का, लेकिन फिर भी उसका कैमरा बहुत ही अच्छा है, तो 11 प्रो का तो इसके भी ऊपर रहेगा बस। ओके गाइस, सो दिस वाज द कंपैरिजन वीडियो ऑफ द GoPro Hero 8 एंड आईफोन 11। मुझे कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, इसके पहले वाले भी वीडियोज अच्छे लगे रहेंगे, तो अच्छे लग रहे तो भाई लोग शेयर करो, थोड़ा बहुत व्यूज़ आने दो, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो। एंड इसके आगे भी ऐसे और अलग अलग वीडियोज आते रहेंगे। तो फिलहाल लॉकडाउन चालू है यार, कंटेंट की कमी है, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, जैसे ही बाहर जाने को मिलेगा अपन खतरनाक वाला कंटेंट डालेंगे बॉस और मचाएंगे। तो वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, तो शेयर कर देना, एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना बॉस। ओके सो गाइस गाइस गाइस, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुंबई का निखिल ने भी बोला था कि यार कैरे मिनटी का वीडियो इतना बड़ा वीडियो, सारे रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट उसने ब्रेक किए थे, तो वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, तो उसके लिए एक छोटी सी हेल्प कर दो। अगर आपको लग रहा है कि वो वीडियो रिटर्न आना चाहिए, तो अच्छे से जाके एक तो ट्विटर पर जाके ट्वीट कर दो यूट्यूब को, या फिर इंस्टाग्राम पर जाके उसको टैग करो या फिर मैसेज करो कि उसका वीडियो रिटर्न आ जाए। अगर अच्छे से बहुत लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने वो कर दिया तो शायद से उसका वीडियो रिटर्न आ सकता है, एंड सारे रिकॉर्ड्स इतने यूट्यूबर्स इंडियन यूट्यूबर ने ब्रेक किए बॉस, तो उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके सो गाइस, आई एम एंडिंग दिस टुडेज व्लॉग, सो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग MH04 व्लॉग्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।